तो मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो प्लांट है, ये एक फ्लोटिंग प्लांट है। इससे की जो केयर है वो हम आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं। तो जी देखिए, जो है हमारा फ्लोटिंग प्लांट ये है, क्यों कि एक सिट्रस वैरायटी का है, जिसे आप कह सकते हैं कि लेमन वाइन। तो ये लेमन वाइन है, आपने पहली बार नाम सुना होगा लेमन वाइन, यानी नींबू की बेल। जी हाँ, तो नींबू की बेल भी है। इस पर जो नींबू लगते हैं, थोड़ा फ्रूट साइज है वो आपको थोड़ा छोटा देखने को मिलता है, और इसका जो फ्रूट है वो ऑरेंज कलर का आपको देखने को मिलता है पकने पर। तो चलिए, इसकी जो पूरी केयर है वो कैसे इसका रख रखाव है वो आपको करना है। तो देखिए, इसको जो मैंने, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो देखिए, जो है आपको ऑफलाइन यानी कि जो है नर्सरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है मैंने ऑनलाइन बाय किया था, तो आप जो है इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और देखिए, इस पर जो फ्रूट्स है वो कैसे लगते हैं, तो इसका जो मैं जो थंबनेल में भी आपकी जिसकी पिक्चर है वो लगा दूँगा, और जो साइड में आप देख रहे हैं फ्रूट इसका, वो इस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसकी जो पूरी केयर है वो कैसे रहने वाली है। तो देखिए, अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है, मैं कहूँगा कि एयर लेट से जो है रेडी है, तो इस पर जो है फ्रूटिंग भी आपको जल्दी से देखने को मिलती है। सबसे पहले जो आपको इसका जो पॉट साइज़ है वो कितना यहाँ पे लेना था। देखिए, इसका जो पॉट साइज़ है, आप इसको 12 इंची गमले में लगा सकते हैं। तो देखिए, जब आप ऑनलाइन बाय करते हैं तो आप देखिए इस तरह से जो फ्रूट यानी कि जो प्लांट है आपको छोटे सा हाइट का ही देखने को मिलता है, यानी इससे एक छोटी सी सैपलिंग आपको देखने को मिलती है। तो आप जो है इसे पहले छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो इसको आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक से करना पड़ेगा। जो प्लांट है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे उसी पॉट में आप लगाइए। तो देखिए, इसको जो पॉट साइज़ है आप 12 इंच या 14 इंच के गमले में लगा सकते हैं। और जो इसकी मिट्टी रहेगी यहाँ पे, वो आपको वेल ड्रेन यहाँ पे रेडी करनी है, क्योंकि सिट्रस वैरायटी के आपने जितने भी प्लांट देखे हैं, आपने देखा होगा कि उनको जो पानी अधिक बिल्कुल पसंद यहाँ पर नहीं रहता है। तो इसको भी जो है पानी आपको कम ही लिमिट यहाँ पर रखना है। मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है, तो मिट्टी वेल ड्रेन बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि इसमें जो है 50% जो है प्लेन गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% में आप जो है कंस्ट्रक्शन सैंड मिला लें, ताकि मिट्टी आपकी बहुत ही अच्छे से भुरभुरी बने और पानी इसमें जो है खड़ा ना हो। पानी आप डालें और थोड़ी देर बाद इसमें जो है फालतू का पानी है जो बाहर यहाँ पर निकल जाए इसके ड्रेनेज से। तो मिट्टी आपको ऐसे रेडी करनी है, और इसमें जो है आप 10% वर्मी कम्पोस्ट, थोड़ी नीम खली, और साथ ही इसमें और कोई स्टार्टिंग में जो है फर्टिलाइजर किसी की और ना आप इसमें ऐड कीजिए, तब इतना ही आपको जो इसमें ऐड करनी है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो है सनलाइट कैसी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसको जो सन है आपको फुल जो है सनलाइट इसको प्रोवाइड करानी है, क्योंकि इसको जो धूप बहुत पसंद है। और इसमें जो फ्लावरिंग का जो समय रहता है वो कहूँगा स्प्रिंग से जो है समर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। विंटर थोड़ा इसका डोरमेंसी पीरियड रहता है, तो सर्दियों के समय पे जो आप इसको ऐड ना करें, कोशिश कीजिएगा अब जो इसका जो फेव का सीज़न स्टार्ट होगा तभी इसको जो आप ऑनलाइन से बाय इसको कीजिए। तो आप देख सकते हैं जो प्लांट है मेरा, ये भी जो है मैंने आज ही इसको बाय किया है नियर, तो मुझे आज ही ये रिसीव हुआ है। तो इसको जो है मैंने सिर्फ अभी शिफ्ट अभी कर दिया है, तो कल तक ये जो है अपने आप एडजस्ट कर लेगा और इसकी जो पत्तियाँ हैं स्ट्रेट यहाँ पर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसमें, क्योंकि जो रोग है पेस्ट वगैरह अटैक है तो कैसे है। तो देखिए, इसमें जो कैटरपिलर वगैरह के भी इस पर रोग लगते हैं, और भी जैसे आपने सिट्रस वैरायटी में देखे हैं तो इस पर एफिड्स जैसेट्स ये सब भी इस पर लग जाते हैं, वाइट फ्लाई भी इस पर लग जाती है। तो आप जो है इस पर खाली फिलहाल के लिए नीम ऑल का ही स्प्रे लीजिए, और किसी चीज़ का ना ले, आप ऑर्गेनिक जो बनाते हैं घर पर पेस्टिसाइड उसका भी जो है आप इस पर स्प्रे ले सकते हैं। अब बात की जाए देखिए इसमें जो फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर जो है इस पर आप NPK 1919 का जो है स्प्रे है वो आप इस पर कर सकते हैं। शुरुआती दौर में जब आपका प्लांट छूटा है तो आप इसमें किसी प्रकार का जो है स्प्रे वो मत कीजिए, कोई केमिकल फर्टिलाइजर आप मत डालिए, सिर्फ आपको ऑर्गेनिक वर्मी कम्पोस्ट ही आप इसमें ऐड कीजिए। बाद में जो है आप इस पर धीरे धीरे जो है केमिकल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो केमिकल का जो है आप सारा ले सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। और साथ ही आप देखिए इसमें जो है और भी अगर कोई स्प्रे लेना चाहे फॉली स्प्रे वो आप इस प्लांट पर ले सकते हैं। विंटर्स में जैसे मैंने बताया थोड़ा डोरमेंसी पीरियड है, उसमें जो अपने पत्तियाँ पीले होकर गिरा सकते हैं। वाटरिंग पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, पानी जो है इसमें और वाटरिंग नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही आपको जो इसमें ऊपर की जो मिट्टी है थोड़ी क्या एक इंच तक जो है ड्राई दिखाई दे, तो पत्ते जो प्लांट की जैसे कि आपको पहचान हो जाती है, जैसे इस तरह से झुका इसी तरह से पहचान कर देता है प्लांट कि उसकी पानी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। सर्दियों में तो आप इसमें पानी एक बार डालेंगे तो भी आपको जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भी आसानी से निकल जाता है। तो पानी जो है आप अपने प्लांट की देखते हुए जो है इसमें ऐड करना है। इसमें जो है वाइट रंग के फूल लगते हैं, काफ़ी खुशबूदार फूल लगते हैं, इसमें काफ़ी तेज़ सुगंध इसमें से आती है, जैसे और सिट्रस वैरायटी में से आती है। फूल का साइज़ जो है थोड़ा आपको बड़ा देखने को मिलेगा। फ्रूट इस पर जो है ग्रीन कलर का लगता है, और उसमें जो है जो ऑरेंज कलर का आपको जो है पकने पर वो हो जाता है, और उसका जो टेस्ट है आप देख सकते हैं खाने में जो खट्टा रहता है। इसकी जो है बेल जैसी ग्रोथ होती है, तो बेल जो है आप इसकी किसी तरह स्टेम पे या फिर जहाँ भी आप इसको फैलाना चाहें आप इसको फैला सकते हैं।
और जैसे ही आप इस पे से फ्रूट वगैरह हार्वेस्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है इसके जो प्रूनिंग वगैरह जोर से करते हैं ताकि अपनी जो है नाइट ब्रांचेस वगैरह यहाँ पे डेवलप कर सकें और आपका जो बेल है और जो यानी प्लांट है और अच्छे से ग्रोथ इसकी बन सके, यानी कि बुश यहाँ पे हो सके। आप इसकी जो है बाद में कटिंग भी लगा सकते हैं और आपको एयर लाइट से रेडी करना आता है तो उससे भी जो आप नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। बाकी इसकी जो केयर है सारी सेम यहाँ पे रहने वाली है, जैसे आप कोई भी सिट्रस वैरायटी अगर आप नींबू वगैरह ग्रो कर रहे हैं सेम वैसे ही इसका जो है रख रखाव यहाँ पे आपको करना है। तो बस आप इसमें ध्यान रखिए सिर्फ ओवर वाटरिंग ना हो, यानी पानी ज़्यादा ना हो और इसको धूप आपको अच्छे से देनी है। और फ्रेंड्स इसके प्लांट में आप देखेंगे तो जो कांटे हैं तो कांटे भी आपको जो छोटे से स्मॉल कांटे आपको देखने को इसमें मिलेंगे। बाकी बहुत प्यारा प्लांट है, जैसे जैसे इसकी जो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे और इसकी जो फ्रूटिंग है वो भी आपके साथ जो है इसके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के तौर पे जिसकी जितनी मुझे इसकी केयर है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो ये था आज की वीडियो में। तो दोस्तों आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरे इस तरह से मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए मैं इस तरह से जो नई नई वीडियोज़ हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आता रहूँ। तो जब तक के लिए धन्यवाद।